मम्मी शारदा आंटी क्या मस्त वीडियो बनाती है ना। हाँ बेटा अच्छा बना है। मम्मी आप ऐसा वीडियो क्यों बनाते? नहीं यार मेरे से ये नहीं होगा। नहीं मम्मी एक मस्त आइडिया, मैं वीडियो दिखाता हूँ, आप बना। नहीं आप बोलो कुछ भी बोलो। क्या ही बोलूंगी मैं भाई, कुछ भी बोलो। ठीक है हेलो माय नेम मम्मी फिर से एक बार। मम्मी 12th तो मैंने पास कर लिया है, अभी ग्रेजुएशन कौन सी कॉलेज से करूँ? चाहे कोई भी कॉलेज से कर बेटा, मैं बस यही चाहती हूँ मेरा बेटा सबसे आगे रहे। वो तो रहूंगा ही मम्मी, मैं आपका बेटा हमेशा आगे रहेगा। वो तो पता है। यार ये सनी क्यों नहीं आया अब तक? सनी वो यार तो आ गया। किधर है वो? आ रहा है। अरे सनी चलो चलो मिलते हैं यार सनी से। यार कितने दिन बाद आ रहा है तू? कहाँ पे था? घर पे। घर पे था? आना तो चाहिए यार कॉलेज कम से कम। चल अभी बता कहाँ जाने का है, कैंटीन जाना है कि कॉलेज जाना है? हम लोग तो सोच रहे थे कि कैंटीन में जाके बैठेंगे। कैंटीन में चलते हैं, मारते हैं बंक। चलो क्या लगता है मारे? चलो यार बंक मारते हैं। चलो 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 उस तरफ चलते हैं। चलो उस तरफ चलते हैं। आ जाओ और कैसा क्या कॉलेज क्लासेस? यार मेरी तो अच्छी हुई, तू बता। अरे यार पूछ मत, टीचर ने ले रखी है, इस बार भी समझ नहीं आ रहा क्या करने वाले हैं। अच्छा वही वाली मैडम ले रही क्या? अरे वही वाली, टेस्ट आने वाले। अरे टेस्ट से याद आया भाई, सनी कहाँ है आजकल? टेस्ट नहीं देने क्या उसको? अरे हाँ यार मैं भी सनी को ही ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा ना आजकल। अरे मेरे को तो लास्ट 3-4 दिन हो गया वो मिल ही नहीं रहा। पता करना, पता करो यार किधर है, डोंडा गायब हो गया। सनी बेटा कॉलेज जा रहे हो? वैसे तुम्हारी एग्जाम कब से? अरे भाई विशाल ये भाई क्या सीन एग्जाम का यार? पता नहीं यार मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे हाँ यार ये केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक का टॉपिक कुछ समझ में नहीं आ रहा। 5 मिनट दोगे मेरे को? क्या हुआ? क्या हुआ? बस 5 मिनट में आता हूँ ठीक है। हाँ तुम लोग अपना, तुम लोग अपनी बातें करो, मैं 5 मिनट में आया। ओके ओए सनी इतना उदास क्यों बैठा है? कुछ हुआ है क्या? आई एम योर बेस्ट फ्रेंड यार,
कम से कम मेरे को तो पता क्या हुआ है। हद होती है यार। देख तुझे नहीं बताना है कोई बात नहीं मत बता, लेकिन भाई जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी हमें हालातों के हिसाब से अपनी जिंदगी को ढालना पड़ता है यार। लाइफ इज अ सर्कल मैन, अच्छे के बाद बुरा, बुरे के बाद अच्छा, ये जिंदगी का उसूल है यार, ये सीखना पड़ेगा भाई। अरे तुम आ गए, बैठ के खाना खा ले साथ में। बेटा खाना तो खा लो। बेटा सुन, मैंने देख लिया मैगी बनाई, बहुत पसंद है ना? नहीं नहीं। अरे सुन तो सुन, तुमने कल रात को भी कुछ नहीं खाया था, प्लीज खा ले। नहीं खानी यार। तुझे मैगी नहीं खानी थी तो मुझे बता दे, मैं कुछ अरे कुछ नहीं खाना यार। क्या कर रहे हैं, क्या बोलूं मैं उनको कि सनी रोज कॉलेज तो आता है लेकिन देवदास के जैसे यहां पर आके बैठ जाता है, ये बोल दूं मैं उनको? अब कुछ बोलेगा नहीं, तू क्यों बोलेगा? तेरी तो जुबान सिर्फ तेरे बाप के सामने चलती है ना, दोस्तों को तो तू कुछ नहीं बोलता। तेरे को एक बात बताऊं, तेरे जैसा घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। कितना घटिया है तू, तू अपने बाप की इंसल्ट करता है, तू अपने बाप का सगा नहीं है, तेरे को पता है? मेरे साथ आज तक चाहे जो कुछ भी हुआ, मैंने कभी भी अपने बाप को ये नहीं कहा कि आपने क्या किया मेरे लिए आज तक, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा अपने बाप को, लेकिन तूने तूने कहा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया तूने कहा। शायद इसीलिए तेरा बाप तेरे को वो वीडियो नहीं दिखा पाया। कौन सा वीडियो? कौन सा वीडियो? अब वीडियो याद आ रहा है तेरे को? कौन सा वीडियो? ये देख, वीडियो देख। याद है वो दिन जब तूने अपने पापा से पूछा कि आपने मेरे लिए किया ही क्या? बेटा उस दिन ना मैंने तेरे पापा को टूटते हुए देखा, जिंदगी में पहली बार। उन्होंने जीवन में बड़ी मुश्किलों का सामना किया पर कभी टूटे नहीं थे। देख तेरे कहने पे आज मैंने ये वीडियो बनाया, अब तू भी मेरी एक जा अपने पापा से माफी मांग। अरे सड़ी सी शक्ल बनाना बंद कर।
चुपचाप जा और अपने पापा से बात कर। बात कर, बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो एक बार करके तो देख। चल जा, बात कर जा। खाना लग गया, आज खा ले पापा, अपने हाथ से खिला दो ना।